हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो दोस्तों आजकल काम का ज़्यादा ही बर्डन था, तो गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है। अभी 15 फरवरी से 15 जून तक जो है फायर सीजन स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड में। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, तो पत्ते देखो इतने बहुतायात मात्रा में झड़ने लग गए हैं, और मौसम देखो कितना क्लीन हो रखा है एकदम। तो दोस्तों पानी का लेवल बहुत कम हो गया है, और ये मेरे साथ हैं, ये मेरे सहयोगी प्रदीप भाई। और तो प्रदीप भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम जो है रिवर साइड जो है घूम रहे हैं, तो कुछ नहीं अगर हमें कुछ दिखेगी तो जानकारी मैं अभी साझा करूँगा आप लोगों के साथ में। देख रहे हो पानी का लेवल इतना कम हो गया और इतना क्लीन है ना। तो प्रदीप भाई पानी बहुत कम हो गया है, क्यों? पानी पहले से देखिए अब कम हो गया, धीरे धीरे जैसे ही गर्मी बढ़ती रहेगी तो पानी थोड़ा और कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो पानी है ये स्प्रिंग वाटर है। तो दोस्तों आपको मैं फिर दिखाता हूँ, अभी छोटी छोटी है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो छोटी सी है। तो दोस्तों देखो कितना ज़्यादा, अभी जो है फरवरी स्टार्टिंग ही है और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई। इस बार जो है धूप जो है ज़्यादा ही। तो दोस्तों ये है टर्माइट माउंड, यानी कि दीमकों का टीला जिसे बोलते हैं। और जो पीके भाई हैं तो इसके बारे में कुछ बताएंगे। पीके भाई कुछ बताएंगे? कल्याण भाई, ये मैं आपके सभी दोस्तों को इस टर्माइट हाउस के बारे में बताता हूँ। इसे टर्माइट माउंड भी कहते हैं, ये मिट्टी का टीला, और टर्माइट हाउस दीमक का घर भी इसे कहा जाता है। तो इसकी जो ये है कि एक दीमक जो है मिट्टी को चुन चुन कर इतना बड़ा जो है अपना घर बना देता है, तो बहुत छोटा सा दीमक। तो ये एक मार्गदर्शक चीज भी है, प्रेरणादायक भी है। और ये टर्माइट हाउस जो है इसकी जो मिट्टी को बहुत शुद्ध माना जाता है। हमारे उत्तराखंड में जो हरेला पर्व, हरेला का त्योहार होता है, तो इसी मिट्टी को जो है घरों में ले जाकर उसमें जो है टोकरी में इस मिट्टी को छान कर फिर जो है उसमें 7 या 11 प्रकार के बीजों को बोकर हरेला जो है बोया जाता है। तो और कहते हैं कि क्या बोलते हैं, पहले जो है ऋषि मुनि भी इसी मिट्टी को जो है जमीन पर बिछाकर उसके बाद इसके ऊपर बैठकर तब क्या करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो यही इसकी जानकारी है, विशेषता है। तो दोस्तों देखो आजकल स्प्रिंग वाला सीजन स्टार्ट हो गया, तो पतझड़ वाला मौसम, तो देखो कितना सारा पत्ते पूरे के झड़ झड़े हैं, और नेचर और प्रकृति देखो कितनी शानदार लग रहा है, मतलब ना ये देखो। तो दोस्तों आज का सब कुछ यही था, और तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग पे, तो मेरे साथ बने रहिए। तो